अगर ऐसा था तो कोई काम वाली लेकर आ जाते ना, मेरे घर बारात लेकर क्यों आए? अच्छा ना, मैं अम्मी को समझाऊंगा, नाराज तो ना हो। मैं कैसे नाराज ना हो? अम्मी जब हमारे घर आई थी तब तो बहुत मीठी मीठी बातें की थी कि अगर लड़की को काम करना नहीं भी आता तब भी कोई मसला नहीं है। मैंने फोर्स किया था, अम्मी तो पता नहीं कहाँ रिश्ता करवाना चाह रही थी मेरा। अच्छा, यानी के वो इस बात का बदला मुझसे ले रही है। बड़ी अफसोस की बात है अगर वो इस उम्र में मुझसे मुकाबला लगा रही है। और एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि कोई भी सास अपनी बहू के साथ खुश क्यों नहीं रह सकती। देखो हुरिया, अम्मी पुराने ख्यालात रखती है ना, और इस उम्र में ख्यालात और आदतें तो नहीं बदली जा सकती ना। तुम बुरा ना मनाया करो, बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं। इस उम्र की जो औरतें होती है ना, उनको वैसे भी जवान लड़कियां कोई पसंद नहीं है, हसद करती है उनसे, हर बात बुरी लगती है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है इनको जवान लड़कियां बुरी लगती जाती है। बुरिया, क्या कह रही हो? मैं सही तो कह रही हूँ फर्रुख, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मुझसे किस बात की दुश्मनी निकाल रही है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने घर के काम नहीं किए। अच्छा सुनो, गुस्सा नहीं करो, मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तुम पीछे फारिग होती हो, थोड़े बहुत घर के काम कर लो, इसमें तो बुराई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई काम घर का नहीं करूंगी। ये किस किस्म की मोहब्बत है फारुख? लोग तो मोहब्बत में क्या कुछ कर जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक काम वाली मांग रही हूँ। अच्छा ठीक है, खफा ना हो तुम, कुछ माह बाद मेरा इंक्रीमेंट लग जाएगा, फिर काम वाली रख लेंगे हम। कुछ महीने के बाद, तब तक आपकी अम्मी मेरी उस्तानी से ज्यादा पता नहीं क्या कुछ बन चुकी होंगी। तुम्हें किस बात का डर है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों डर रही हो? मैं वादा पूरा करूंगा अपना, प्लीज हंस के दिखा दो ना, और जुल्म ना करो मेरे पे। और अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझ पे एतबार नहीं है तुम्हें। फर्रुख, मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ। अगर आपकी अम्मी ने मुझ पे जुल्म और सितम करने की कोशिश की तो मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी, शोर मचाऊंगी। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं मैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप कोई आम लड़की नहीं है। मैं ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता कि आपको आम लड़की समझूं। पता है फरो, मुझे हमेशा से ही शादी करने का इतना शौक था, मगर ये नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत को कभी आजमाइएगा नहीं। मोहब्बत कांच की जितनी नाजुक होती है, हल्की सी ठेस से दरार पड़ जाती है। हमारी मोहब्बत कभी भी दरार नहीं आएगी, कभी भी नहीं। और अगर किसी दिन ऐसा हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा। फर्रुख, ऐसी बात नहीं करते। अगर आइंदा ऐसी बात की तो मैं वाकई नाराज हो जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते। लेकिन मैं सच कह रहा था। चलो ठीक है, नहीं कहूंगा। अच्छा मुंह ठीक करो, बल्कि काम करते हैं, चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं? चलो तो सही, चलो फिर बताता हूँ।